तो यार क्या हम लोगों को R15 V4 लेना चाहिए या फिर नहीं? पहले तो आप लोग ये जान लो कि R15 V3 और R15 V4 में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बस R15 V3 के कंपैरिजन में R15 V4 का पोस्चर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। और एक बात, R15 V3 के मुकाबले R15 V4 का पावर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। मेरा सजेस्ट ये है कि R15 V4 को चूज़ ना करें, V4 के बदले आप R15M को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि R1M का पावर बहुत ज़्यादा भी नहीं। R15M में क्विक शिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये दो मेजर अपडेट है R1M में। पर इसका ऑन रोड प्राइस में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस, बट स्टिल R15 V4 के मुकाबले आप थोड़ा बहुत सेविंग करके R15M में जा सकते हैं। मेरी माने तो R1M आपके लिए बेटर चॉइस होगा। अगर आप लोगों को प्राइस जानना है तो मैं वीडियो में दे दूंगा, आप लोग ऊपर दिए गए वीडियो में देख सकते हैं कि R15 V4 का प्राइस ऑन रोड कितना है और R1M का प्राइस ऑन रोड कितना है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। बस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।